फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार खबरों में रहता है और इसी वजह से लोग इससे डरते हैं, क्योंकि डेली जो न्यूज़ आती है उसमें बहुत ज़्यादा ही निगेटिव न्यूज़ होती है, पॉजिटिव न्यूज़ बहुत कम है। लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको छुपा लिया जाता है और सिर्फ निगेटिव न्यूज़ को ही हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यस बैंक के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो यस बैंक ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। यस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से चौंकाने वाला फैसला किया गया है और इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और इसकी वजह से यस बैंक के कारोबार में काफ़ी कुछ फर्क आने वाला है। साथ में कल के कारोबार से बहुत ही चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। कल के कारोबार को अगर आप जानोगे तो आप खुद यकीन करोगे कि बहुत कुछ बदल जाएगा यस बैंक के स्टॉक में आने वाले समय में। और जो इसकी प्राइस है, ये प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी बन रही है। उसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, स्किप नहीं करोगे, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको पिछले दिनों बहुत ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ फैला के आपको डराया गया, आपको फंसाया गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आज छुट्टी का दिन है तो आपको इस यस बैंक के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो आपको क्लियरली आज पिक्चर समझ में आएगी, आप आराम से वीडियो देखें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कल देखा ही होगा, कल के कारोबार में यस बैंक का स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया था और लोगों की धड़कन बढ़ गई थी। कल यस बैंक का स्टॉक 14.85 पर ओपन हुआ, लेकिन ये लो में चला गया 14.30 के और बहुत ज़्यादा डर का वातावरण बन गया। लेकिन फिर सडनली उसमें तेजी बनने लगी और ज़बरदस्त तेजी बनी और ये हाई में चला गया 15.05 के, यानी जो 15 का सपोर्ट था उसने फिर से पा लिया और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 14.90 की। एक्चुअल में 14.95 की है, लेकिन अपडेट में ये 14.90 बता रही है और कल की क्लोजिंग है। लेकिन फ्रेंड्स, पॉजिटिव क्लोजिंग है, 15 के आसपास क्लोजिंग आ चुकी है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, कल बहुत ही ज़्यादा भयंकर मात्रा में वॉल्यूम हुआ है और ये जो वॉल्यूम के अंदर ही सारा खेल छुपा हुआ है, जरा हम उसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन एक बार हम कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। अगर आप इसके वॉल्यूम को एनालाइज करें फ्रेंड्स, यस बैंक के वॉल्यूम को, तो पिछले एक महीने पहले इसका वॉल्यूम 11 करोड़ के आसपास था, पिछले एक सप्ताह पहले इसका वॉल्यूम 10 करोड़ का था और गुरुवार को भी इसका वॉल्यूम 11 करोड़ का था, यानी 10 करोड़ के आसपास ही इसका वॉल्यूम था। लेकिन कल के कारोबार में इसका वॉल्यूम हुआ है फ्रेंड्स 15 करोड़ 94 लाख, यानी करीब 16 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ है। यानी फ्रेंड्स, आप सोच लो 50% की वृद्धि हो गई है वॉल्यूम के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है एक ही दिन के अंदर। और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की खरीदी, यानी कल से ही इन्होंने खरीदारी शुरू की है यस बैंक के स्टॉक के अंदर, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इसकी जो प्राइस जो थी वो बिल्कुल रीजनेबल हो चुकी है, एक लेवल पे आ चुकी है। लोगों का एक विश्वास था, जिसको भी खरीदारी इसमें करनी है वो 14 के आसपास खरीदारी करना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है OFS के माध्यम से भी 12 रुपये के आसपास शेयर बेचे गए, तो 14 रुपये जो शेयर की इसकी जो वैल्यूशन है वो फेयर है, क्योंकि उसके बाद में ऑलरेडी 2 क्वार्टर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आए, और इसलिए इसकी जो प्राइस है वो 14 से तो कम नहीं बन रही है किसी हालत में, ये सबको पता है। और इसी वजह से कल से इसमें शानदार खरीदारी शुरू हो गई। ये जो 50% जो वृद्धि हुई है वॉल्यूम के अंदर, वो सारे बड़े फंड हाउस की है, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे बड़े बड़े जो ब्लॉक डील हुई है उनमें सिर्फ माल खरीदा गया है, बेचा बिल्कुल नहीं गया है। यानी कम से कम जो बड़ी ब्लॉक डील थी, दिन भर बहुत बड़ी ब्लॉक डील करीब 100 के करीब हुई है, लेकिन हमने जो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जो 10 लाख के ऊपर शेयरों की जो ब्लॉक डील थी, उसमें जो 10-11 ब्लॉक डील के अंदर मात्र एक ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेचा गया, बाकी सारी खरीदारी हुई है। इसका मतलब जो बड़े फंड हाउस है वो सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं, उन्होंने अब माल बेचना बंद कर दिया है, यहाँ से सिर्फ खरीदारी ही खरीदारी है। और इसके पीछे वजह है प्रशांत कुमार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रशांत कुमार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। यस बैंक ने सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा FD पर इंटरेस्ट देने की घोषणा की है। जितने बैंकिंग सेक्टर के जो बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक ले लो आप, पब्लिक सेक्टर के बैंक ले लो, या फिर इवन आप स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, सबसे ज़्यादा FD प्रोवाइड कर रही है सीनियर सिटीजन को यस बैंक। और इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा FD आएगी यस बैंक के पास। तो फ्रेंड्स, एक बार हम डिस्कस कर लेते कौन कितनी FD दे रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर है यस बैंक, 7.50% का इंटरेस्ट दे रही है FD के ऊपर सीनियर सिटीजन को। उसके बाद में है DCB बैंक, जो 7.25% का इंटरेस्ट दे रही है फ्रेंड। उसके बाद में है RBL बैंक, जो 7.10% इंटरेस्ट दे रही है। उसके बाद है इंडसइंड बैंक,
जो 7% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। उसके बाद में है फ्रेंड बंधन बैंक जो 6.25% का इंटरेस्ट रेट एफडी के ऊपर दे रही है सीनियर सिटीजन को। अब हम बात करेंगे जरा पब्लिक सेक्टर की बैंकों की, तो केनरा बैंक दे रही है 6% इंटरेस्ट रेट, यूनियन बैंक दे रही है 6% इंटरेस्ट रेट, और बैंक ऑफ इंडिया दे रही है 5.80%, और SBI दे रही है 5.80% इंटरेस्ट रेट, और पंजाब एंड सिंध बैंक दे रही है 5.75% इंटरेस्ट रेट। यानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है यस बैंक। अब जरा हम एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, 5.90% का इंटरेस्ट रेट दे रही है सीनियर सिटीजन को। कोटक महिंद्रा बैंक 5.60% दे रही है इंटरेस्ट रेट, ICICI बैंक का है 5.65%, और HDFC बैंक का भी है 5.65% इंटरेस्ट रेट। तो आप देख लो जितनी बैंकें हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यस बैंक का है, कोई नहीं है उसके सामने। अब यहाँ तक देख लो कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी 7.25% का इंटरेस्ट रेट FD के ऊपर दे रही है सीनियर सिटीजन को। तो सबसे ज़्यादा जो FD के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दे रही है वो है यस बैंक। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा FD बढ़ेगी यस बैंक के पास, क्योंकि फ्रेंड्स सीनियर सिटीजन के पास कमाई का एक ही सारा है, उसके पैसे, उसको वो FD करके उस FD के माध्यम से अपना आगे का जीवन यापन शुरू रखते हैं। वो दूसरा उनको किसी को और किसी और के ऊपर तो उनको भरोसा नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, स्टॉक मार्केट से तो बिल्कुल दूर रहते हैं सीनियर सिटीजन, और उनका जो सिर्फ एक ही है सहारा वो है बैंक, और बैंक में उनको FD में अच्छा इंटरेस्ट मिले या हर किसी की तमन्ना होती है। तो इस तरह से एक टारगेट किया है बहुत ही शानदार सीनियर सिटीजन को यस बैंक ने, और इस वजह से बहुत ज़्यादा फंड आएगा यस बैंक के पास। लेकिन फ्रेंड सबसे बड़ी बात, फंड आने से कुछ नहीं होगा, इस फंड को फिर से बांटना है, वहीं से प्रॉफिट होगी। तो फिर उसके लिए यस बैंक ने बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने सेल्स फोर्स यानी अमेरिकन एक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो लोन बांटने की जो प्रक्रिया है वो जटिल थी उसको बहुत ईजी कर लिया है, बहुत ही आसान तरीके से और कम डॉक्यूमेंट के ऊपर लोन बांट दिए जाते हैं, और इस वजह से जो लोन की प्रक्रिया कम हो गई है तो बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए अब यस बैंक की तरफ ही आएंगे। तो उसकी वजह से जो उसको यहाँ से जो FD से जो पैसे आएंगे उसको लोन के रूप में बांट पाएंगे। साथ में MSMEs की जो स्कीम आ रही है सरकारी, वो सारी योजनाओं का लाभ ले रही है यस बैंक और लगातार लोन बांट रही है। आपको पता ही होगा पिछले दिनों उन्होंने लोन मिलना चलाया था और 5 करोड़ तक का MSMEs को लोन बांटा है। और साथ में फ्रेंड्स उन्होंने एक और योजना शुरू की, उन्होंने स्पाइस मनी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण महिलाओं को ही बैंकिंग एजेंट बना दिया है और वहाँ से भी कारोबार शुरू कर दिया है, क्योंकि छोटे गाँवों में आज भी कोई बैंक नहीं है। तो वहाँ से अब उन्होंने ये जो पैसे हैं वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लोन के रूप में बांटे जाएंगे और वहाँ से डूबने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जो बैड लोन बनता है, NPA बनता है, वो बड़ी बड़ी फर्में डुबाती है, लेकिन छोटे गाँव में पैसे डूबने की कोई संभावना नहीं होती है। तो अब वो सुरक्षित निवेश की तरफ चलने लगे। आने वाले समय में यस बैंक के जो भी पैसे हैं वो डूबने की संभावना बिल्कुल कम हो रही है, यानी अब NPA बनेगा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी से हमें विश्वास हो रहा है कि यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और इसकी वजह से आने वाले समय में हम इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स साथ में यस बैंक ने बहुत सारी ऑटो कंपनियों के साथ टाइप किया ताकि वो व्हीकल लोन बांट सके, जैसे कि उन्होंने टाटा मोटर के साथ भी टाइप किया और छोटे छोटे गाँवों के अंदर अब वो लोन देंगे व्हीकल के ऊपर। साथ में उन्होंने PNB होम फाइनेंस के साथ में भी टाइप किया, पार्टनरशिप किया, ताकि वो लोन बांट सके होम फाइनेंस के लिए, घरों के लिए, मकानों के लिए लोन दे सके। तो फ्रेंड्स यस बैंक लगातार जो अब फंड आ रहा है उस फंड को फिर से लोन के रूप में बांटने के लिए बहुत सारे उन्होंने रास्ते खोल दिए। तो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव FD के ऊपर इंटरेस्ट देने की वजह से ज़्यादा उनके पास फंड आएगा और उस फंड को फिर नए नए तरीकों से फिर लोन के रूप में बांट देगी, तो जो उनका साइकिल है ये पूरा साइकिल बहुत अच्छे से चलेगा और इसकी वजह से यस बैंक नंबर 1 बन जाएगी आने वाले समय में। मैनेजमेंट ने जो ठान लिया है उसके हिसाब से एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक के कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, क्योंकि यस बैंक ऐसे ऐसे सेक्टर में एंट्री कर रही है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ग्रामीण महिलाओं को ही बैंकिंग एजेंट बना दिया जाए और उनके थ्रू ही कारोबार किया जाए, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा, यस बैंक ने सोचा है। और इसी का ये नतीजा है कि आने वाले समय में यस बैंक को कोई नहीं पकड़ पाएगा इसके कारोबार को, और इसी की नब्ज को पहचान लिया है बड़े बड़े फंड हाउस ने, इसीलिए कल से उन्होंने इसमें खरीदारी शुरू की है और इस वजह से अब यस बैंक के अंदर तेजी की संभावना बन रही है। हाँ, अगर बाजार ने साथ दिया, अगर बाजार में बड़ी गिरावट नहीं बनी, बैंक निफ्टी अगर बढ़ती रही, तो फ्रेंड्स यस बैंक को भी कोई रोक नहीं पाएगा और यहां से एक नई फ्रेश तेजी बनेगी। और फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप
अगर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा यस बैंक में कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपका नजरिया आपको लंबा रखना होगा। आप शॉर्ट टर्म में देखोगे, अगर आपने अपना नजरिया शॉर्ट टर्म का रखा है तो फिर लॉस ही लॉस होगा। आपको कम से कम एक साल देना होगा यस बैंक को, जैसे कि आपको पता ही है लॉक इन पीरियड के अंदर शेयर रखे गए थे इसीलिए, ताकि ये जो सबको पता था मैनेजमेंट को कि यस बैंक बिल्कुल डूबी हुई बैंक है, उसको फिर से पटरी पर लाने में समय लगेगा, इसीलिए उन्होंने जो शेयर स्टार्ट में जो उन्होंने शेयर दिए थे उसको लॉक इन पीरियड के अंदर रखा था। तो आपको भी एक तरीके से अपनी तरफ से उसको एक लॉक इन पीरियड में रखे, आपने अगर निवेश किया तो उसको आप समझ लो कि आपका जो शेयर है आपके भी लॉक हो गए, अभी उनको न छेड़े, कम से कम आप उसको एक साल तो दे दो तो आपको कम से कम अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। पर मैं आपको बोलता हूँ कम से कम आप उसको यस बैंक को 3 साल दो, आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाना, आपको माला माल बनना यस बैंक के स्टॉक में, तो कम से कम आप उसको 10 साल दो, फिर आप मेरे को बोलना। 10 साल के बाद एक बैंक के अंदर FD करते हो, आपको दुगुना पैसा करने के लिए 10 साल लेते हो। अगर आप 10 साल के लिए अगर यस बैंक में FD कर लेते हो तो आपको 10 गुना इसका रिटर्न मिल सकता है। जितना आप निवेश करोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपया लगाओगे तो 10 लाख बनने की संभावना है यस बैंक में, क्योंकि यस बैंक का कारोबार ही वैसा है। यस बैंक जिस तरह से काम कर रही है, आने वाले समय में बहुत बड़ी ये बैंक बनेगी। कितना भी इसके बारे में निगेटिव कहा जाए, कितनी भी निगेटिविटी फैलाई जाए, लेकिन हकीकत में तो इसके जो रियल में जो इसका कारोबार हो रहा है बहुत अच्छा है, और इसी से हमें इस पर विश्वास होता है और आपको भी भरोसा करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।